90, yeah. Push. 100, come on. Come on. Come on. Woo. 100. Ooga. बच गए यार, वो गाय तो सामने ही आ गई थी। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड तो अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जो बीच में थोड़ा सा हाईवे भी पड़ेगा, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा। जैसे ही हम शहर से बाहर निकलेंगे तो पूरे टाइम हाईवे पर ही जाना है, हमें लगभग 15 किलोमीटर जाना है। तो ये जो मैंने लिखवाया है कैसा लग रहा है आप सब लोगों को कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मुझे भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आऊँगा यार। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स, आई नो बहुत कम है, बट ज़्यादातर लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते यार। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दिया करो। ये इतना कार किस वजह से खड़ी है यहाँ पर, ये कुछ फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है। खैर अपने मतलब का नहीं है, जो अपने मतलब का है वो है राइडिंग एंड राइडिंग, व्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग एंड हैविंग फन, कलेक्टिंग मेमोरीज। ये है भाई अपने बस का, इसी में अपन को मज़ा आता है। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई इन्जॉय यार, आई इन्जॉय राइडिंग। यहाँ पर रुक जाते हैं, सिग्नल रेड है, धूप चिपक रही है यार हाथों पर बहुत। अब मुझे फुल टी शर्ट पहनना शुरू कर देना चाहिए। 3, 2, 1, हेवी गो। आई नीड टू स्लो डाउन, नहीं चल सकते 80 भाई, यहाँ तो 80 तक ही जा पाए अपन। देखते हैं आगे और स्ट्रेच मिला तो और खींचेंगे, अभी अपन को काफ़ी दूर जाना है, ऐसे मौके तो मिलते ही रहेंगे। आई थिंक की टॉप स्पीड 90 होनी चाहिए, 90 100 कम्फर्ट है कि टॉप स्पीड कितनी है, आज हम टेस्ट कर लेंगे। वहाँ पर एक तालाब है, उसमें वो लोग नहा रहे होंगे, देखते हैं अगर मेरा मन हुआ तो मैं भी नहाऊँगा। बच गए यार, वो गाय तो सामने ही आ गई थी। अपनी लिमिट्स में चलाया करो यार हमेशा, जहाँ भी लगे आपको थोड़ा गड़बड़ हो रही है स्लो डाउन कर लिया करो। बहुत दिन से यार अच्छे व्लॉग आ ही नहीं रहे थे, एक तो बेकार ही था, उसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। हेलो, आई होप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए वाले व्लॉग में, मुझे लगता है आगे रुक के ऑडियो चेक कर ही लेंगे अपन। मज़ा आ रहा है गाइस, आई थिंक टायर्स में हवा ज़्यादा है यार, बम्प्स बहुत लग रहे हैं मुझे, तो लगने नहीं चाहिए आई थिंक, पीछे वाले टायर में कुछ ज़्यादा ही है। आगे छाँव में ले तो अपन रोकें और ऑडियो चेक कर लें, मुझे लगता है छाँव तो यार बहुत दूर है, जब तक अपना आधा रास्ता कवर हो जाएगा तो अपन वी आर गुड टू गो नाउ। अब थोड़ी देर रुका तो यार हेलमेट में गर्मी लगने लगी थी, धूप इतनी तेज पड़ रही है, राइडिंग गियर्स पहनना मुश्किल हो जाता है गर्मियों के टाइम। है तो सर्दियाँ पर अभी पूरी तरह से सर्दियाँ आई नहीं है, स्लो डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर कट है, कोई भी अचानक से आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में यार रोड्स पे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर आउटर कंट्रीज़, बिकॉज वहाँ पर रूल्स अच्छे हैं, लोग भी रूल्स मानते हैं, समझदारी से चलते हैं। यहाँ तो कोई भी कहीं भी कैसे भी आ जाता है, सब अपन को देख के चलना है सामने वाले को। सो आई डोंट नो, मतलब हाईवे नंबर मुझे पता नहीं है, ये हाईवे सीधा आपको ग्वालियर कनेक्ट कर देगा, और कुछ महीने बाद यहाँ पर 4 लाइन डलने वाली है, काम चालू है जैसा कि आप देख रहे होंगे। आगे तो यार बहुत धूल उड़ रही है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आप नए राइडर हो, नया नया सीखे हो तो मुझे पता है मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना, बहुत मज़ा आता है गाड़ी तेज़ चलाने में, बट जब तक थोड़ा एक्सपीरियंस ना हो जाओ। मुझे पता है मैंने भी ऐसे ही करा था, स्टार्टिंग से ही बहुत तेज़ बाइक चलाई थी, लेकिन अब सोचता हूँ कि अभी उस टाइम कुछ हो जाता क्योंकि मुझ में इतनी स्किल्स नहीं थी, इतना जानता नहीं था, बहुत कुछ हो सकता था। शुरू में संभल के चलाया करो। यहाँ से यार डीजल का खुशबू आ रहा है, मतलब मुझे तो खुशबू ही लगती है, लोगों को पता नहीं, डीजल पेट्रोल केरोसिन, आई लाइक द स्मेल। ऑफरोडिंग ही चल रही है पिछले 1 या 1.5 किलोमीटर से, आई डोंट नो कहाँ तक है आगे, मैं बहुत टाइम से इस रोड पर आया नहीं हूँ भाई, जम के ऑफ रोड है यार, धूल मिट्टी वाला ऑफ रोड है वो भी। आई लाइक द फॉर्चुनर,
ओ भाई आगे का दिख नहीं रहा, इतनी धूल, वो वाले ट्रक से आगे मैं देख ही नहीं पा रहा। ओहो ओ भाई ये कार वाला तो बहुत तेज चला रहा है, इसमें तेज चला रहा है यार ये तो। उसके लिए इजी है ना, बाइक पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो तो मैं इसे ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ आगे सही रोड आने पे। नहीं निकल पाएगा, टॉप स्पीड टेस्ट भी हो जाए फिर इसी बात पे। प्लैटिना 100 का 80, हाँ कम ऑन 90, कम ऑन कम ऑन 90, ये पुश 100, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी 100, ओ हम आ गए हैं तालाब पर। यहाँ से भी जा सकते हैं, चलो यहीं से चलते हैं यार, वहाँ से घूमकर कौन जाए। उधर से बाइक निकालने का रास्ता नहीं है इसलिए यहीं से चलते हैं, यहीं से मतलब आता हूँ यहाँ से, यहाँ से चलते हैं। पता नहीं है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो देखते हैं उनके क्या रिएक्शन होंगे। तो क्या करें, नहा ले। तो ये वो तालाब है गाइस जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे चढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। काफी बड़ा है यार ये तो यार, बहुत ज्यादा तूफानी काम कर रहे हैं यहाँ पर। वो देखो, वी आर गोइंग बैक फ्रेंड्स के साथ। वो रहे दो, ये रहे दो, एक मेरे पीछे बैठा हुआ है। ये लोग यहाँ पर नहाने आए थे और वी मिस्ड द कट। कोई बात नहीं, आगे से चलेंगे अब तो। मुझे लगता है आप दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को शेयर कर देना। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।